दिगरा शहर और तहसील में कोरोना के बढ़ते मामलों से जनता में खौफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बंद और कर्फ्यू की मियाद बढ़ाने के बाद भी कोरोना मामलों में गिरावट की बजाय बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में दिगरा कोविड केयर में इच्छुक व्यक्तियों के लिए स्वैब टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। सारी दुनिया पर कोरोना का कहर एक अद्भुत मुसीबत की मानीन मंडरा रहा है। दिगरा तहसील की जनता भी कोरोना प्रकोप के साथ ही आए दिन बढ़ रही बंद की मियाद से त्रस्त है। दिगरा शहर में 1 अगस्त को कर्फ्यू हटेगा, ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे लोगों की झोली में फिर से निराशा की खैरात आ गिरी है। 31 जुलाई की शाम को जिला प्रशासन द्वारा आगामी बंद की घोषणा के संदर्भ में कोई तारीख निश्चित तो नहीं की गई, लेकिन जारी हुए परिपत्रक में बंद को अगला आदेश आने तक बरकरार रखने की बात जरूर कही गई, जिससे कर्फ्यू और बंद की स्थिति कायम है। एक तरफ बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में तहसीलवासियों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। 31 जुलाई की शाम और देर रात को पॉजिटिव ग्रामीण विभाग से एक की मौत और लगभग 17 लोगों के पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद इस खबर के लिखे जाने तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 77 दर्ज की गई है। बहरहाल बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या के मद्देनजर लोगों में खौफ का बढ़ना लाजमी बात है। ऐसे में दिगरा कोविड केयर सेंटर में इच्छुक लोगों को उनकी स्वेच्छा से स्वैब टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। इस संदर्भ में कोविड केयर मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार ने इनबीसीएन को जानकारी दी। आज जसं ईद आहे, ईद निमित्त सगळ्या समाज बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा। आणि मी सगळ्या लोकांना सांगू इच्छितो की ज्या लोकांना असं वाटत आहे की मी म्हणजे आपल्याला जर का कोणत्या कोणत्याही बाधितामध्ये संपर्क जर आला असेल तर मी सगळ्यांना असे आवाहन करतो की ज्या लोकांनी आमच्या इथे येऊन जरी सर्दी खोकला ताप असे कोणतेही सिम्पटम नसेल तरीही तुम्हाला वाटत असेल आपण या म्हणजे एखाद्या माझ्या कोणा कॉन्टॅक्टमध्ये आलो असेल तर कृपया करून आमच्या इथे यावे आणि आम्ही तुमची टेस्ट करून देऊ लागल्यास। आणि सगळ्या नागरिकांना असं आवाहन करतो की कसं आहे, कोणी पॉझिटिव्ह असते कोणी निगेटिव्ह असते कसं असते याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा सिम्पटम्स नाही राहत। या सिम्पटम नसल्यामुळे काय होते की आपल्याला समजत नाही की काय करावं आणि कसं असते, एखाद्यास कोणी स्वॅब देतात आणि काय होते स्वॅब घेतल्यानंतरही कोणी जोपर्यंत रिझल्ट येत नसते तोपर्यंत आपण घरीच थांबायचं आहे। घरी यासाठी थांबायचं आहे कारण रिझल्ट जे असतो हा कधी कधी 2-3 दिवससुद्धा लागू शकतात। कारण कसं आहे, समोर भरपूर सॅम्पल आहेत, आपली लॅब एक यवतमाळला असल्यामुळे याच्यामध्ये भरपूर ठिकाणी स्वॅब येत असतात आणि या स्वॅब येत नसल्यामुळे काय होतं की आपलं जे वेटिंग असते हा वाढत चालला आहे आणि दिवसेंदिवस जसे रुग्ण वाढत आहे तसे स्वॅबची पण संख्या वाढत आहे। त्याच्यामुळे जे रिझल्ट यायला थोडासा वेळ लागत आहे, 3-3 दिवस सध्या आता 3-3 दिवसापर्यंत गेला आहे। पहिले 1-1 दिवस होता, मग 2 दिवस झाले, 2-3 दिवस झाले आणि असेच जर रुग्ण वाढत गेलं तर शॉपचे ते जे असतं हे तुम्हाला वेटिंग पिरियड वाढणारच आहे। पण आम्ही सगळ्यांना मी आवाहन करतो, एक तरफ दिगरा शहर में तहसील और नगर पालिका प्रशासन अपने स्तर पर मुस्तैद है और वैद्यकीय जांच से लेकर अब स्वेच्छा स्वैब टेस्टिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीते कई दिनों से बंद और कर्फ्यू के बावजूद तहसील में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों में कमी नहीं आ रही, जिसकी समीक्षा जरूरी है। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।